हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट क्रिएटर के इस नए लेक्चर वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है। फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के जो टॉर्क्स होते हैं उनको जानेंगे, कितने तरह के टॉर्क होते हैं, उनका क्या काम होता है, और फिर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ठीक है। मेजरिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस अगर किसी चीज़ को मेजर कर रहा है, किसी चीज़ को नाप रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। अब जैसे बाइक में लगा हुआ रहता है स्पीडोमीटर, वो किस चीज़ को नाप रहा है, स्पीड को नाप रहा है, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, ठीक है। तो जो भी चीज़, किसी जो भी डिवाइस, एक तरह से डिवाइस को कहिए कि आप नापने वाला कोई चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को नाप रहा है, चाहे वो वजन हो, चाहे स्पीड हो, चाहे वो आरपीएम रोटेशन हो किसी भी पहिए का, ठीक है। कोई भी चीज़, चाहे आपका एनर्जी मीटर हो घर का, बाहर बाहर जो लगा हुआ रहता है, बाहर में जो इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी आपको नापता है, कितना यूनिट है, मतलब जितने भी चीज़ हैं सारे इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि इनके कितने तरह के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क होते हैं। हाँ दोस्तों, अगर एनालॉग और डिजिटल की बात की जाए तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनमें सुई होती है, ठीक है, जिनमें सुई होती है नापने के लिए। उनमें मीटर लगा हुआ रहता है, ऐसे करके मीटर लगा हुआ रहता है और यहाँ पर सुई रहती है, यहाँ से डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा और हमें यहाँ पे मेजरमेंट पता चल जाएगा। मगर जब हम बात करते हैं डिजिटल की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में स्क्रीन रहता है, ठीक है, और स्क्रीन पे हमें वैल्यू पता चलता है, ठीक है। जैसे डिजिटल थर्मामीटर में हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं कि पहले जो थर्मामीटर आता था उसमें मरकरी ऊपर होता था तो हम लोग समझ जाते थे कितना फीवर है, मगर अब जो आ रहा है उसमें सिंपल आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं, तो वो डिजिटल है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। तो दोस्तों, हम लोग अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या है। अब टॉर्क सिर्फ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में होगा, डिजिटल में नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल में तो डिजिटल सर्किट होता है। तो हम लोग टॉर्क सिर्फ एनालॉग में बात करेंगे जिसमें सुई होती है। तो जैसे मान लेते हैं ये एक मीटर है, ठीक है, ये एक मीटर है और यहाँ पर सुई लगी हुई है, तो अभी तो ये स्थिर है, ठीक है। जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक तो ये हिलेगा नहीं, तो ये जो एंगुलर फोर्स लगेगा इस पे उसी को हम लोग कहेंगे टॉर्क, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टॉर्क। तो अब कितने तरह के टॉर्क होते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉर्क है जो सुई को मूव कराता है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। दूसरा तरह का टॉर्क होता है, अब देखिए जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अब जैसे यहां पर एक सुई है लगी हुई, ये जीरो पोजीशन है और ये मैक्सिमम पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसमें आएगा, जैसे ही हम लोगों ने कोई चीज़ नापा, करंट नापा, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि ये सुई घूम के यहाँ पर आ जाएगी और इसी जगह पर अटकी रहेगी। इसीलिए अगर हमको मेजर्ड वैल्यू चाहिए तो वो कम देंगे या ज़्यादा देंगे, फिर भी सुई यहीं पर जाके अटकेगी, मतलब हम लोग को मेजरमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको, सुई को एक जगह कंट्रोल करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा एक जगह पर। तो उस एक जगह पर रखने के लिए हम लोग इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क ऐड कर देते हैं, जो जस्ट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर इधर काम कर रहा है तो कंट्रोलिंग टॉर्क इधर काम करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसको जितना तक जाना है उतना तक ही रखेगा, आगे नहीं जाने देगा, ठीक है।
तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसको बोलेंगे हम लोग, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो अगला क्या होगा हमारा, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब एक और चीज आता है यहां पर, जो तीसरा होता है वो माना होता है डैम्पिंग। बहुत सारे स्टूडेंट कंट्रोलिंग और डैम्पिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर देखिए डैम्पिंग बिल्कुल अलग है कंट्रोलिंग से। अब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हम एक एक एग्जांपल देके आपको बताते जाते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क, DAMPING। तो हम पहले डैम्पिंग समझाने के लिए आपको फिर से इसको इरेज कर दिए हैं। तो सबसे पहले डैम्पिंग होता क्या है, डैम्पिंग थोड़ा सा आपको बता दें कि आप कंफ्यूजन ना रहे। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये रहा इसकी सुई, ठीक है, जैसे ही इस पे टॉर्क लगता है इधर से, तो ये डिफ्लेक्ट करके यहां आ जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और इधर से भी टॉर्क लगेगा। ठीक है, अब देखिए सुई को यहां पर आना है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सुई अभी जितना हम करंट दिए हैं वो मान लीजिए 2 एम्पियर है, और 2 एम्पियर की रीडिंग यहां पर है, तो अभी सुई को तो यहां पर आना है। मगर अगर कंट्रोलिंग टॉर्क ना रहे तो ये यहां पर आ जाएगा, मगर कंट्रोलिंग टॉर्क तो है, इसीलिए ये कंट्रोलिंग टॉर्क इसको इधर धकेलेगा, यहां डिफ्लेक्टिंग इधर जाएगा, कंट्रोलिंग इधर धकेलेगा। तो ये क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा, मतलब आगे पीछे होता रहेगा। एट लास्ट में 2 एम्पियर पे आना ही है, मगर बहुत लेट से आएगा, बहुत टाइम लगाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम लगा देते हैं इंस्ट्रूमेंट में, जिससे कि ये स्लोली स्लोली वाइब्रेट करे। मतलब इतना कभी आगे पीछे करता रहेगा तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता नहीं चलेगा, और बहुत ही लेट से हमको रीडिंग देगा इसका। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है कि इस घड़ी के इस सुई के मोशन को स्लो कर देता है, और इससे हमें मेजरमेंट में आसानी होती है। ठीक है, तो तीन तरह के टॉर्क हमने क्या देखा, पहला था हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि कितने तरह के टॉर्क होते हैं। टॉर्क को शायद पिछले बार 2018 में भी आया था, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही जरूरी है, वो है डैम्पिंग टॉर्क। तो ये तीन तरह के हमें टॉर्क पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग इनके सारे इक्वेशन देखेंगे, और इनके जितने भी कैसे लगाया जाता है इंस्ट्रूमेंट में वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कितने तरह से डिफ्लेक्शन पैदा किया जाता है, ठीक है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स। तो वही अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट है, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं ये सबसे पहले देखेंगे। कि पहला होता है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, SECONDARY। तो पहला होता है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये सब हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का वो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मेनली। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो अगर ये कोई एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वाले को इरेज कर देते हैं, सिर्फ हम लोग एब्सोल्यूट देखेंगे पहले। अगर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये उसका मीटर है और ये सुई है। अब बात आता है कि ये किस चीज को मेजर करता है, ठीक है। तो अगर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो ये डायरेक्टली किसी चीज को मेजर नहीं करता है। ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो एंगल के, जैसे मान लीजिए ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, मतलब डिग्री में मेजर होगा। और ये जो डिग्री होगा उसको किसी
चीज से मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डायरेक्टली किसी को मेजर नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली मेजर करता है किसी को, ठीक है, किसी भी चीज को। तो उसके जो मीटर लगे हुए रहते हैं वो किसी ना किसी, उसके जितने भी वैल्यू आएंगे उनको किसी कॉन्स्टेंट से गुना करना पड़ता है और तब हमारा वैल्यू निकलता है, तब हमारा मेजरमेंट निकलता है। और अगला होगा हमारा, तो हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या था कि कोई भी मेजरमेंट को वो इनडायरेक्टली मेजर करता है। तो अगर एग्जाम में पूछे तो आप एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को बता सकते हो कि दोज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द वैल्यू इनडायरेक्टली, वो इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यू को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो डायरेक्टली मेजर करता है, ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली मेजर करता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कोई मीटर है, ठीक है, एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। तो यहां पर जो वैल्यू लिखा होगा वो थीटा के फॉर्म में था एब्सोल्यूट में, मगर यहां पर सीधा करंट के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहां पे जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, ऐसे करके आपका वैल्यू पुट होगा। जितना आपका डिफ्लेक्शन होगा उतना ही आपका करंट होगा, उसी तरह वोल्ट मीटर भी होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट हुआ जो कि डायरेक्टली किसी को भी मेजर कर ले, किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली मेजर करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इससे सिलेबस में अगर देखा जाए, डिप्लोमा के सिलेबस में, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, मतलब उसके ज़्यादा पार्ट्स दिखाए नहीं गए हैं, मगर जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का जो मेन पार्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कितने तरह के सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मेनली तीन तरह से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, ऑपरेशन प्रिंसिपल पे, मतलब किस तरह ये काम करता है, ठीक है, किस बेसिस पे काम करता है। जैसे कि हम लोग लेते हैं, जैसे कोई मैग्नेटिक मीटर है, मतलब मैग्नेट पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, कोई मूविंग आयरन है, ठीक है, मतलब जिस बेसिस पे वो डिजाइन किया हुआ है उसी बेसिस पे हम लोग उसे बांट दिए हैं, ऑपरेशन प्रिंसिपल में वो हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन बेसिस पे, अब देखिए एप्लीकेशन बेसिस क्या है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखाता क्या है, ठीक है। अब जैसे कोई मेजरमेंट है वो मान लीजिए करंट दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे कोई डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें आप जो पिछला वाला जो टेम्परेचर रहता है वो भी दिखाता है, तो वो उसमें रिकॉर्डेड रहता है, तो उसको हम लोग कहेंगे रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड रहता है। जो सिर्फ मेजर करता है उसको मेजरमेंट, सिर्फ मेजरिंग टाइप बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है इंटीग्रेटिंग टाइप, जो कि आपका जो वैल्यू रहता है हर रोज का वो जोड़ते रहता है। जैसे हम लोग का एनर्जी मीटर घर में रहता है, वो हर रोज का यूनिट जोड़ते रहता है, ठीक है, कि आज इतना यूनिट हुआ प्लस, कल इतना यूनिट हुआ प्लस, वो दिखाता भी है ना, तो दिखाने के साथ वो जोड़ता भी है, ठीक है, और प्लस उसके मेमोरी में भी रहता है, तो वो तीनों तरह का हो गया। तो इस टाइप के हम लोग जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होंगे उनको हम लोग कहेंगे एप्लीकेशन बेसिस पे, उनको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब ईरर बेसिस पे अगर देखा जाए तो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कुछ महंगे होते हैं क्योंकि उनमें ईरर बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा जो लेबोरेटरी होता है वहाँ पर अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग ईरर बेसिस पे भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट को बांटेंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा ऑपरेशनल प्रिंसिपल के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को बांटना। तो दोस्तों ऑपरेशन प्रिंसिपल पे हम लोग देखेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट चार तरह के होंगे, ठीक है। पहला होगा मैग्नेटिक मीटर, जो डिफ्लेक्शन मैग्नेट के कारण हो रहा है, ठीक है, मतलब जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है, PMMC इंस्ट्रूमेंट, जैसे उसका एमीटर वोल्ट मीटर होता है जो सिर्फ DC के लिए काम करता है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्नेट के हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन पैदा करते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरह के फिर कंट्रोलिंग टॉर्क यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है हमारा इंडक्शन मीटर। तो इंडक्शन मीटर में हम लोग इंडक्शन प्रिंसिपल पे जितने भी मीटर होते हैं उनको पढ़ेंगे। अब इंडक्शन प्रिंसिपल क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि ये इंड्यूस्ड करंट, मतलब जिसे हम लोग डायनोमो में देखते हैं कि
अगर हम लोग वो उसके आर्मेचर को घुमाते हैं तो उससे करंट पैदा होता है, मतलब इंड्यूस्ड करंट से जो फोर्स पैदा होगा उस पे जो मीटर रहेंगे उनको इंडक्शन मीटर बोलेंगे। हॉट वायर मीटर, हॉट वायर मीटर में क्या हम लोग देखेंगे कि थर्मोकपल होता है, जैसे कोई मेटल है ठीक है, उनके दो इंड को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, तो उससे उसको हम लोग थर्मोकपल कहते हैं ठीक है। दो अगर मान लीजिए दो कोई भी मेटल है, दो एलॉय टाइप का कह सकते हैं कि दो मेटल को जोड़ दिए, अगर एक तरफ 0 डिग्री सेल्सियस एक तरफ 100 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक थर्मोकपल बन जाता है ठीक है। उससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। अगला हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब होता है शांत स्थिर, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रो मतलब कोई भी चार्ज अगर स्थिर हो तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर में क्या होगा कि मान लेते हैं अगर कोई चार्ज है, जैसे मान ली कोई करंट दे रहे हैं तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उस चार्ज से जो डिफ्लेक्शन होगा, उस चार्ज के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उससे जो डिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग मेजर जो करेंगे तो उस मीटर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर ठीक है। तो ऑपरेशन प्रिंसिपल पे आपको मैग्नेटिक मीटर पे फोकस करना है, इंडक्शन पे करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ठीक है। हॉट वायर होता है इंपॉर्टेंट नहीं, मगर PMMC मूविंग आयरन ये सब पूछता है ठीक है। तो अगला हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से, चलिए तो एप्लीकेशन बेसिस पे हम मेनली तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ठीक है। पहला होगा इंडिकेटिंग टाइप। इंडिकेटिंग टाइप वो इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ हमें इंडिकेट कर देता है और उसको हम लोग अपने कॉपी पे पेन पे या जो भी दिमाग में हम लोग रख लेते हैं ठीक है, मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है हमारे पास। दूसरा होगा मतलब इंडिकेटिंग टाइप पे आ जाता है एमीटर वोल्टमीटर, जो सिंपल एमीटर वोल्टमीटर होते हैं जो सिर्फ दिखा देगा और फिर खत्म, उसके पास कोई मेमोरी नहीं है, वो कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता। अगला रिकॉर्डिंग टाइप होगा। रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है कि एक पेपर पेन लगा रहता है या कोई भी एक चीज लगा रहता है और उस पर वो रिकॉर्डिंग कर देता है ठीक है, मतलब वो खुद सेव नहीं रखता है अपने में, रिकॉर्डिंग करके आपको दे देता है ठीक है। जैसे भूकंप नापने वाले जो रिचर स्केल होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, और जो सब स्टेशन में जो एमीटर वगैरह होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं ठीक है। मतलब सिंपल है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पेपर है उस पर ग्राफ बना के आपको शो कर देंगे कि इतना इंक्रीज हुआ, इतना लोड, इतना डिक्रीज हुआ, इस समय में इतना होता है, मतलब इस तरह से आपको एक राउंड वैल्यू दे देते हैं ठीक है। चलिए अब अगला होगा हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप। अब जैसे इंटीग्रेटिंग टाइप को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं ठीक है। हम लोग पहले इंटीग्रेटिंग टाइप देखिए। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लीजिए कि एक मीटर है जो आपके घर में लगा रहता है, वो पहले दिन में जो पहला दिन आपका जो इलेक्ट्रिकल जितना भी आप खर्च किए, मोटर चलाए, टीवी चलाए, फ्रिज चलाए, जो भी चलाए, तो उससे आपका एक यूनिट आया या फिर दो यूनिट आया ठीक है। एक दिन में बहुत ज़्यादा आपने खर्चा किया मान लेते हैं ठीक है, तो ये शो कर दिया आपको, अच्छा आज का दो यूनिट है, तो चलिए आप पता चल गया आपको आज का दो यूनिट है, मतलब ये इंडिकेट कर दिया आपको ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा दिन ये आप एक यूनिट यूज किए ठीक है, इसी तरह करके आप इसी तरह 30 दिन मतलब एक महीना तक आप लोग यूज कर लिए मान लेते हैं 40 यूनिट ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सबको ऐड करके एक 40 यूनिट लिख देगा। एक सेकेंड, जैसे मान लेते हैं तो अगर आप लोग इस तरह करके एक महीने आप लोग अगर यूज कर लेते हैं तो ये 1 मंथ का पूरा आपको एडिशन के साथ आपको उतना यूनिट आपको दे देगा ठीक है। तो इस टाइप के जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इंटीग्रेटिंग टाइप बोलता है। इंटीग्रेटिंग मतलब ये होता है एडिशन, समेशन ठीक है। तो इंटीग्रेट करके आपको डाटा दे देता है, मतलब इतना आपका यूनिट खर्चा हुआ है। पिछला बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 2018 ऑड में कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितने तरह के सिस्टम होते हैं, एप्लीकेशन मतलब किन किन तरह से काम करता है इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग पढ़ चुके हैं
कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होगा कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उनमें कितने तरह के सिस्टम होते हैं। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, वो सिस्टम जो कि सुई को डिफ्लेक्ट करे, ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आया था इसीलिए बता रहे हैं। पहला होगा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, दूसरा क्या होगा कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम। इसको लिखना था इस तरह कि डिफ्लेक्टिंग सिस्टम फॉर डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए, और डैम्पिंग टॉर्क होता है जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है अननेसेसरी वाइब्रेशन उसको रोकने के लिए, डैम्पिंग टॉर्क। और एक होता है और इंक्लूड कर दो आप लोग कि पॉइंटर होता है उसमें, ठीक है। कितने मतलब सिंपल एक क्वेश्चन था कि ये मतलब कितने टाइप में डिवाइड होता है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पर एक पॉइंटर भी होता है, ठीक है, पॉइंटर। पॉइंटर होता है जो कि आपको इंडिकेट करता है, पॉइंटर इसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये, तो ये हो गया क्या उसका सुई, क्या हो गया उसका पॉइंटर। तो ये पिछले बार 2018 ऑड में पूछा था। तो इस तरह हम लोग नेटवर्क सर्किट का भी पहला अपलोड कर चुके हैं किरचॉफ्स लॉ, अगर आपको देखना हो तो आप उस हमारे प्लेलिस्ट पे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ठीक है, हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए।